बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव 2024 का रण और राजस्थान दौरे पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी। बाड़मेर में विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया, उसके बाद अब दौसा में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होगा और रोड शो को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। न सिर्फ लोगों में उत्साह है बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के नेताओं में काफी उत्साह है और ये सीट बेहद महत्वपूर्ण है। इस सीट को बीजेपी हल्के में बिल्कुल नहीं ले रही, क्योंकि यहां बीजेपी ने कन्हैयालाल मीणा को मैदान में उतारा है। जसकौर मीणा का टिकट काटा गया, वहीं कांग्रेस की तरफ से मुरारीलाल मीणा को मैदान में उतारा गया है। सिटिंग विधायक है, सचिन पायलट गुट से आते हैं और इस सीट पर गुर्जर मीणा वोटर्स निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। इसके बाद एससी एसटी, अल्पसंख्यक और अन्य जाति, लेकिन देखिए अलग अलग रंग। किरोड़ीलाल मीणा एक अलग ही अंदाज में नजर आए, क्योंकि ये सीट सीधे उन्हीं से जुड़ती है और यहां जीत की जिम्मेदारी भी अघोषित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने किरोड़ीलाल मीणा को ही दी हुई। हालांकि वो अपने भाई के लिए यहां से टिकट चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ वक्त के लिए नाराजगी भी नजर आई, लेकिन वो नाराजगी अब दूर हो चली है। वहीं अगर पार्टियों के वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज इस सीट पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का कमजोर रहा है। बीजेपी यकीनन 2014 में मोदी मैजिक की वजह से और 2019 में मोदी के ही फैक्टर की वजह से यहां काफी ज्यादा बढ़त हासिल करती हुई नजर आई, लेकिन ये सीट दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण और दोनों ही पार्टियां ये मानकर चल रही है कि इस सीट पर कांटे की टक्कर और किधर गुर्जर जाएंगे, किधर मीणा जाएंगे, ये इस पूरी सीट के सियासी समीकरणों को तय कर देगा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी यहां रोड शो करते नजर आएंगे। मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्य, हमने बाकायदा 5 बजे में जब इस सीट को डिस्कस किया था तब भी ये चीज साफ थी कि ये सीट फंसी हुई सीट है, कांटे की टक्कर है। मानकर चले कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद बीजेपी यहां राहत की सांस लेती नजर आएगी। देखिए विजेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो अब कुछ ही सेकंड्स में शुरू होने वाला है, कुछ ही मिनट या सेकंड कुछ भी कह लीजिए, बस आप सामने कैमरे पर दिखाई देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी लोग जो है वो बस उसी बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बस प्रधानमंत्री मोदी आए, और मुझे लगता है एक दो मिनट में रोड शो शुरू हो जाएगा। लगभग 5:05 बज चुके हैं, 5:01 हो चुका है और ये सामने की तरफ प्रधानमंत्री मोदी का काफिला लगभग आने के, और ये जो दृश्य है ये देखने लायक है। हालांकि लोगों के लिए कुतूहल भी, क्योंकि जो रोड शो है उस रोड शो में भीड़ इतनी है कि हर कोई प्रधानमंत्री को नहीं देख पाएगा, ये भी तय मान के चलिएगा। यदि प्रधानमंत्री के वाहन की ऊंचाई अच्छी हुई तो ही प्रधानमंत्री मोदी को रोड शो के दौरान हर कोई देख पाएगा, क्योंकि भीड़ अच्छी खासी है। भीड़ में जो लोग पीछे हैं, क्योंकि एक पूरा वे है, वे पर बैरिकेडिंग की हुई है विजेंद्र, और बैरिकेडिंग के पीछे की तरफ पूरी की पूरी भीड़, अब वो भीड़ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पाएगी तो उसी हुई स्थिति में पूरी भीड़ देख पाएगी जब वाहन की ऊंचाई है। हालांकि आगे की तरफ जो न्यूज है वो देख पा रहे हैं, हर कोई अपने मोबाइल को खोलकर बैठा है कि मोबाइल में आगे भी उन क्षणों को कैद करें और दिखाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के साथ आप भी देख सकते हैं। और ये जो दौसा का गांधी सर्किल के पास का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो पूरा बाजार है, इस बाजार में पीछे की तरफ चले जाते हैं, लगभग 1300 मीटर का रोड शो इसे बताया जा रहा है। तो आखिर में जब आप जाएंगे तो आखिर में भी जो घरों की छतें हैं, छतों पर भी पुलिसकर्मी मौजूद है, क्योंकि एसपीजी की सुरक्षा घेरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रहना है और एसपीजी जब उसका काम करती है तो पुलिस को उन्हीं दिशा निर्देशों पर काम करना पड़ता है, पुलिस के हाथ में ज्यादा नहीं होता। एसपीजी जो दिशा निर्देश देती है तो अब बस ये प्रतीक्षा के क्षण खत्म होने से ही है, प्रधानमंत्री मोदी आने के ही है। और इस रोड शो का जो वाहन है वो मेरे कैमरा पर्सन गिरीश आपको दिखा रहे होंगे कि जो वाहन है वो किसी की तरफ खड़ा हुआ है, सजा हुआ है फूलों से। ओम प्रकाश घराना जो है उन्हें विशेष दायित्व यहाँ का दिया गया था
देव नारायण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और प्रदेश के भाजपा के महामंत्री हैं ओम प्रकाश प्रधान, उन्हें यहाँ का प्रभारी बनाया गया था और ओम प्रकाश प्रधाना प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में है इसी स्थान पर डबिंग हुई है जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी रथ में बैठेंगे और वहीं किरोड़ीलाल मुन्ना पहले ही जायजा पूरा ले चुके हैं। यहाँ का जो दृश्य है विजेंद्र, यदि आप सुन पा रहे हैं तो यदि आप मुझे सुन पा रहे थे यहाँ के दृश्य में किरोड़ी लाल मीना से जुड़े जो यहाँ के लोग यहाँ के जो लोकल बीच है वो जिनको बोलते हैं रसिया, जो रसिया चल रहे हैं किरोड़ी लाल मीना के ऊपर बने हुए रसिया चल रहे हैं जी। विजेंद्र आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल ऐश्वर्या, बिल्कुल आपकी साफ साफ आवाज हम तक पहुंच पा रही है और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। लेकिन जरा बताइए, किरोड़ीलाल मीणा बहुत अलग अंदाज में नजर आए, तो जो कहा जा रहा था कि भाई टिकट को लेकर थोड़ा इधर उधर है, अभी माने कि पूरे मन और पूरे तन से वो लग चुके हैं सीट पर? देखिए प्रधानमंत्री मोदी अब कुछ ही देर में आने में है और देखिए विजेंद्र एक दृश्य और बड़ा अच्छा है, एडीजी इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल यहाँ सुबह से डटे हुए हैं और बेहद चिंता में भी है क्योंकि पुलिस अधिकारी को चिंता होती है जिसके ऊपर सभी कमान होती है कि पूरा कार्यक्रम निर्विघ्न धनुष हो जाए और बस उसी प्रतीक्षा में पुलिस के अन्य अधिकारी जाए हुए हैं। आस पास के जिलों के कई SP आए हुए हैं, राजवर्धन राठौड़ भी यहाँ पर व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आए हैं, मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखा रहे होंगे, राजवर्धन राठौड़ को भी यहाँ पर भेजा हुआ है जो यहाँ पर डटे हुए हैं और अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी रोड शो शुरू कर देंगे। जो एडीजी है एस सेंगसिर भी यहाँ पर आए हुए हैं, सेंगसिर की भी ड्यूटी यहाँ पर है और संजय अग्रवाल भी है, दो दो एडीजी की व्यवस्था को संभाले हुए है। ठीक है ऐश्वर्या, एक और सवाल आपसे, क्योंकि जो रथ होता है और उस रथ पर कौन सवार होता है वहां से एक अलग संदेश जाता है, ये तो हम मानकर चले कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ कन्हैयालाल मीणा तो रथ पर होंगे ही, क्या ये संभावना है कि किरोड़ीलाल मीणा भी रथ पर दिखे? देखिए कन्हैयालाल मीणा प्रत्याशी है और प्रत्याशी का रहना लाजमी होता है, मुझे लगता है कि कन्हैयालाल मीणा को रहना चाहिए, हालांकि व्यवस्था ऐसी भी होती है कि आसपास की सीट से भी कैंडिडेट बुला लिए जाते हैं मीटिंग में पास के लिए, लेकिन वो व्यवस्थाएं इन स्थितियों में होती है जब चुनाव में साथ दे, अब चुनाव में बहुत कम समय रह गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि गिरीश आपको दिखा रहे हैं मेरे कैमरा सहयोगी कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये देखिए पुलिस के वाहन आ चुके हैं, पहली एस्कॉर्ट गाड़ी आई है जो आगे लीड कर रही है, पहली एस्कॉर्ट गाड़ी सामने से। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्य, एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया सबसे पहले दिखा रहा है एस्कॉर्ट की वो कार दिखा रहा है, जिसके बाद हम मानकर चल रहे हैं कि जल्दी काफिला शुरू हो गया या कहीं कि रोड शो शुरू होगा। राजवर्धन राठौड़ तस्वीरों के अंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐश्वर्या क्या आपको लग रहा है कि यहाँ प्रधानमंत्री मोदी लोकल इश्यूज को टच कर सकते हैं, ERCP का जिक्र कर सकते हैं, या फिर जिस तरीके की सियासत इस वक्त मच्छी मटन और कश्मीर के इर्द गिर्द घूम रही है, रोड शो के दौरान जिक्र इन्हीं बातों का? प्रधानमंत्री मोदी अब वाहन में बैठने वाले हैं, वाहन में बैठने वाले हैं और वाहन जो है रथ जो है वो सजकर तैयार है, प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर दिया गया है राज्यवर्धन राठौड़ और ओम प्रकाश फड़ाना के माध्यम से, वाहनों का जो काफिला है वो आगे की तरफ निकल गया है और पूरा वाहनों का काफिला है SPG की सुरक्षा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वही पुलिस अब और ज्यादा मुस्तैदी से घटी हुई है इस पूरे दृश्य को मेरे कैमरा सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं, हालांकि हम दो तीन एंगल के कैमरों के माध्यम से अलग अलग माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो है वो शानदार तरीके से दिखे, जब ये आगे की तरफ आएंगे तो कैमरा हम आगे की दूसरी तरफ ले जाएंगे जहां पर बहुत भारी भीड़ है। ये गांधी चौराहा है, दौसा का महात्मा गांधी चौराहा इसे बोला जाता है और अब इस गांधी चौराहे पर प्रधानमंत्री मोदी गांधी चौराहे पर रुके हुए हैं, बस सामान्य
स्वागत सत्कार होता है बिल्कुल सामान्य था, एक औपचारिक समारोह चल रहा है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी को इतनी फुर्सत भी नहीं इन दिनों में कि वो यहाँ पर ज्यादा रुक पाए, वो यहाँ पर हम भी बहुत कम समय से मिले हैं। और आप देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रथ में बैठने वाले हैं, वाहन है जिसे फूलों से सजाया है। ये दौसा की जो सियासत है वो बड़ी अलहदा है, सीट में दौसा में जो सियासत है साफ जो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ के लोग अभी तक जो खामोश थे अब बोलने लगे। आज जो लोग आए सामान्य तौर पर भी लोग काफी सारे आए हैं, जो कार्यकर्ताओं से अलग भी होते हैं वो लोग भी आपसे देखते थे, अभी वो अपने लिहाज से जो बोलना चाहते थे वो बोले भी हैं। और ये हमारा कैमरा इन कैमरों को कैद कर रहा है।